हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एजेक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम इसका पहला एग्जांपल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पीएचपी का यूज़ करूँगा और सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे ज़ैम्प। तो ज़ैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर आके आपको पता होगा पीएचपी का वीडियो सीरीज़ भी है मेरा, आपने पीएचपी के वीडियोस देखे हैं, पीएचपी का नॉलेज है तो आपको ज़ैम्प का आइडिया होगा। तो ज़ैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एचटी डॉक्स फोल्डर के अंदर, पहले तो मैं ज़ैम्प को स्टार्ट कर देता हूँ। ज़ैम्प को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप ज़ैम्प के अंदर जाके ज़ैम्प स्टार्ट पे दो बार क्लिक करेंगे तो ये ज़ैम्प स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रोग्राम्स आप बनाते हैं वो बनाते हैं एच टी डॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसमें एक फोल्डर बनाया है पी एच पी एजेक्स नाम का, ठीक है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर यहां पे बना दिया पी एच पी अंडर स्कोर एजेक्स नाम का। अब इसके अंदर अभी मेरे पास यहां पे दो एग्जांपल्स हैं, तो आज एक एग्जाम्पल हम कवर करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स में और बनाते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल, तो मैंने यहां पे दो फाइल्स ऑलरेडी बनाई हैं, एक वन डॉट पी एच पी और एक है गेट नेम्स डॉट पी एच पी। बाकी फाइल्स की जरूरत नहीं है, इनको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने नाम दिया है वन डॉट पी एच पी और गेट नेम्स डॉट पी एच पी। पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो मैं ब्राउजर ओपन करता हूं और टाइप करता हूं लोकल होस्ट, और फिर लोकल होस्ट के अंदर मेरा फोल्डर है एच टी डॉक्स के अंदर फोल्डर है पी एच पी एजेक्स नाम का, और उसके अंदर एग्जाम्पल वन नाम का फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर ये दो फाइल्स हैं, वन डॉट पी एच पी और गेट नेम्स डॉट पी एच पी। तो वन डॉट पी एच पी को मैंने रन किया तो आप देखेंगे यहां पे मैसेज आ गया स्टार्ट टाइपिंग अ नेम। आपको यहां पे नाम टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, मैंने ए लिखा। तो ए से रिलेटेड जितने भी नाम मैंने रखे हुए हैं इस सेकंड वाली फाइल के अंदर, ठीक है, सेकंड वाली जो फाइल है उसमें हमने एक एरे बनाया है और एरे के अंदर ये सारे नाम मैंने स्टोर किए हैं, ठीक है। तो इस एरे में जो डेटा है उसमें जो नाम है उससे मैच होके जो नाम हमें मिल रहे हैं, जैसे शुरू में जिसमें भी ए है वो सारे नाम यहाँ पे सर्च होके आ गए। जैसे मैंने लिखा ए एम, तो एक नाम ऐसा था जिसमें शुरू में क्या था, ए एम था। अगर मैं लिखता हूँ ए एन, तो ऐसे सारे नाम सर्च होके आ गए जिसमें स्टार्टिंग में क्या है, ए एन लिखा हुआ है। अब मैं इसके आगे जे लिखता हूँ तो केवल ये वाला नाम आ रहा है, ठीक है। मैंने लिखा ए तो ये वाला नाम आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन जो शुरू के लेटर हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, ए एन ए लिखा हुआ है, तो ये मैच हो गया तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ गया। और ये सब कुछ जो सर्च होके आ रहा है वो बिना पेज रिफ्रेश हुए होके आ रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, और एजेक्स का यही पर्पस होता है बिना पेज को रीलोड किए, ठीक है, बिना पेज को रीलोड किए हुए आपको रिस्पॉन्स दिखाना, ठीक है। तो जैसे ही हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक इवेंट अकर हो रहा है। कौन सा इवेंट, ऑन की अप, मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद की को रिलीज करता हूँ तो एक इवेंट जनरेट हो रहा है ऑन की अप। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ पे, दूसरे वाले पेज पे, जो हमारा सेकंड वाला पेज है उसमें रिक्वेस्ट जाएगी। कैसे रिक्वेस्ट को भेजना है, कैसे रिस्पॉन्स को लेना है वो हम इसमें सीखेंगे। तो रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे कुछ जो भी मैंने टास्क लिखा होगा वो परफॉर्म होगा और वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, और वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और ये सब बिना पेज रिफ्रेश हुए हो रहा है। तो फ्रेंड्स,
मैं दोनों का कोड ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड डेटा होगा, जैसे मैंने सी लिखा, तो सी से रिलेटेड जो भी नाम मैंने रखे हुए हैं एरे के अंदर वो सब सर्च होके आ गए। जेड से रिलेटेड कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो सजेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैम्प के अंदर मैंने एच टी डॉक्स में पी एच पी एजेक्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एग्जाम्पल वन नाम का फोल्डर, दोनों फाइल्स को मैंने ओपन कर लिया। फाइल्स के नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हैं। अब अगर मैं पहली वाली फाइल आपको दिखाऊं, तो पहली फाइल में हमने क्या किया, सबसे पहले एच टी एम एल ओपन किया, हेड ओपन किया, जैसा कि एक नॉर्मल हम एच टी एम एल के प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाया। यह हमारा बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, पहले तो बॉडी के अंदर हमने ये टाइप कर दिया पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखा स्टार्ट टाइपिंग अ नेम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आउटपुट में, तो ये पैराग्राफ यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, क्योंकि बोल्ड टेक के अंदर रखा हुआ है। फिर फॉर्म बनाया है, ठीक है, ये सारा एचटीएमएल का नॉलेज आपको होगा। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट किया, जो कि फॉर्म आपको यहां दिख रहा है। जब भी हमें कुछ इनपुट कंट्रोल्स बनाने होते हैं तो हम फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो फॉर्म के अंदर मैंने कोई मेथड स्पेसिफाई, यहाँ पे फॉर्म का मेथड भी हम चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेथड इक्वल टू गेट या फिर मेथड इक्वल टू पोस्ट, बट कोई मेथड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म में हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसमें हमने एक इवेंट यूज किया है जावास्क्रिप्ट का, ऑन की अप, मतलब जैसे ही हम की को प्रेस करने के बाद रिलीज करेंगे तब क्या होना चाहिए वो हमने इसमें बता दिया। तो हमने इसमें लिखा है जैसे ही मैं की अप करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, किस नाम का, शो हिंट नाम का। ठीक है, जैसे ही मैं की अप करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए शो हिंट नाम का, फंक्शन का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हैं। शो हिंट की जगह मैं इसको मान लो नाम दे देता हूं शो नेम्स। ठीक है, शो नेम्स नाम दे दिया। ठीक है, ऊपर मैंने इसको बनाया है, तो कुछ भी नाम हो सकता है। तो जैसे ही आप की प्रेस करने के बाद रिलीज करेंगे तो शो नेम नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब जो करंट हमारा कंट्रोल है, अभी हम किस में है, टेक्स्ट बॉक्स में है, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मतलब जो हम यहां लिखेंगे, मैंने ए लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है, ए। तो ये ए हमने पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही मैंने की को रिलीज किया तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा था, जो भी वैल्यू थी, वो एज अ पैरामीटर पास होगी इस फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन कॉल होगा जब भी मैं की प्रेस करने के बाद रिलीज करूंगा, तो कंट्रोल सीधे जाएगा इस फंक्शन के पास। ये फंक्शन मैंने यहां पे बना दिया शो नेम नाम का। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा वो डेटा इस एस टी आर नाम के वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा। अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ए लिखा है तो एस टी आर के अंदर ए आ चुका है। ठीक है, अब मैंने यहां पे देखा, अगर एस टी आर क्या, एक वेरिएबल है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का। तो हमने देखा अगर एस टी आर की जो लेंथ है वो इक्वल है जीरो के। ठीक है, जैसे अभी ए लिखा है तो ए की लेंथ, ये लेंथ कितना है, एक ही कैरेक्टर है, मतलब लेंथ कितना है, वन है। अगर मैं ए के बाद एन लिखता हूं तो अब लेंथ कितना है, टू है। ठीक है, और मैं ये सब हटा देता हूं यहां से, तो लेंथ कितना है, जीरो है।
तो हमने देखा लेंथ अगर जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को फाइंड करना है जिसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट हिंट है। तो ये एलिमेंट यहां पे है, मैंने एक पैराग्राफ बनाया है फॉर्म के नीचे और उसमें हमने यहां पे लिखा है सजेशंस, फिर एक स्पान, स्पान की जगह आप डेव भी यूज कर सकते हैं, H1 H2 पैराग्राफ जो भी टैग आपको यूज करना है। तो स्पान क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑर्डर में आता है, आप देखेंगे ये जो नाम यहां पे आ रहे हैं वो उसी लाइन में आ रहे हैं जहां सजेशन लिखा है उसी के आगे नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो स्पान क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑर्डर में आता है। अगर मैं यहां डिव का यूज करता तो डिव भी यूज कर सकता था, बट उससे क्या होता, नेक्स्ट लाइन आ जाती, जो नाम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो एक न्यू लाइन में डिस्प्ले होते। ठीक है, तो मैं यहां पे स्पान का यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो स्पान का आईडी मैंने दिया है टेक्स्ट हिंट, और वही आईडी मैंने यहां पे यूज किया है, मतलब जो नाम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो इस स्पान में डिस्प्ले हो रहे हैं, इस स्पान के बीच में यहां पे, लेकिन ये रन टाइम पे हो रहा है। तो रन टाइम पे इसमें डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका हमने आईडी सेट किया है टेक्स्ट हिंट। तो यहां पे हमने देखा अगर लेंथ कितना है, जीरो है, मतलब कुछ भी टाइप नहीं किया है, तो जो स्पान आपने बनाया है जिसका आईडी टेक्स्ट हिंट दिया है उसके इनर एचटीएमएल में क्या असाइन करना है, ब्लैंक असाइन करना है, मतलब कुछ भी नहीं दिखाना है और इस फंक्शन को यहीं पे एंड कर देना है। रिटर्न से क्या होगा, ये फंक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे जो कोड है वो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ये अब कुछ भी नहीं लिखा, लेंथ कितना है, जीरो है, लेंथ अगर जीरो है तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इनर एचटीएमएल में क्या आ जाएगा, मतलब जो स्पान था उसके इनर एचटीएमएल में ब्लैंक चले जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर मैंने कुछ भी टाइप किया है, मतलब मैंने कुछ भी लिखा, ए एम लिखा, तो अब जो लेंथ है, ठीक है, अब लेंथ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, अब लेंथ जीरो के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, इफ के नीचे वाला पार्ट चलेगा। तो अगर लेंथ जीरो नहीं है, कुछ भी आपने टाइप किया है, तो लेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, उस केस में ये आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को भेजना है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा विंडो डॉट एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो हमें रिक्वेस्ट भेजना है दूसरे वाले पेज पे, गेट नेम्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे। तो एजेक्स का मैंने बताया था, एजेक्स पे हम कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहां पे बताई थी इंट्रोडक्शन, मैंने बताया था पहले वीडियो लेक्चर में, हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सभी मॉडर्न ब्राउजर में ये सपोर्ट करता है, जो एक्सप्लोरर के पुराने वर्जन्स थे उसमें ये सपोर्ट नहीं करता था, तो उसकी जगह एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था, बट अभी मैं इसी का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर सभी मॉडर्न ब्राउजर्स यूज करते हैं, ओल्ड ब्राउजर तो काफी कम लोगों के सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, सेंड डेटा फ्रॉम दी क्लाइंट इन बैकग्राउंड, ये सारी इसकी वर्किंग होती है, डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वेब पेज को विथाउट रीलोडिंग। तो हमें क्या करना है, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन कब बनाना है, जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट कब जनरेट होगी, किसी इवेंट पे, जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या एक इवेंट है, की को रिलीज करना, तो की को रिलीज किया तो एक इवेंट है, तो हमें क्या करना है, एक इवेंट जनरेट हुआ हमारा की को रिलीज करने वाला। तो हमने देखा इवेंट अगर जनरेट हुआ है, रिक्वेस्ट अगर आई है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका यहाँ भी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट लिख के। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। तो मैंने उसको रिसीव कर लिया XML HTTP नाम के वेरिएबल में, कुछ भी नाम हो सकता है वेरिएबल का।
तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या पर्पस है? जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे और प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब जो वेरिएबल्स होंगे XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास के, वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का, उसका रेफरेंस इसमें जाएगा। तो ये हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम फंक्शंस को और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। तो हमने अब ये जो कोड लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो कोड है ये रेस्पॉन्स को रिसीव करने वाला कोड है। जब रेस्पॉन्स आएगा, जो सेकंड वाली फाइल है वहां से रेस्पॉन्स आएगा, तो जब रेस्पॉन्स आएगा तब हम इस कोड को समझेंगे। अभी हमें रिक्वेस्ट भेजना है, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे XML HTTP डॉट ओपन। ये सारे फंक्शंस भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, मैंने बताया था मैं सेंड फंक्शन को यूज़ करूंगा, रेडी स्टेट प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा, रेस्पॉन्स टेक्स्ट को यूज़ करूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये ओपन नाम का फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ओपन के अंदर हमें बताना पड़ता है कि जो हमें रिक्वेस्ट भेजना है वो किस तरीके से भेजना है, गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, दो मेथड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेट का यूज़ किया है, ठीक है। गेट से क्या होता है, आपको URL में आप कुछ डेटा भी पास कर सकती हो, पोस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। गेट से हम URL में डेटा पास कर सकते हैं। तो हमें रिक्वेस्ट भेजना है इस वाले पेज पे, गेट नेम्स डॉट PHP नाम के पेज पे, और यहाँ पे मैंने बना दिया है गेट वेरिएबल। क्वेश्चन मार्क के बाद जो हम लिखते हैं उसको गेट वेरिएबल बोलते हैं। तो एक गेट वेरिएबल है क्यू नाम का, इसके अंदर हमने पास कर दिया str को। str क्या है, एक वेरिएबल है जो ऊपर आप देख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। और str में क्या डेटा रिसीव होगा, इसमें रिसीव होगा दिस डॉट वैल्यू। कब रिसीव होगा, जब मैं कुछ भी टाइप करके की को रिलीज करूंगा। तो जैसे ही की को रिलीज किया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा ABC XYZ जो भी टाइप किया, वो आएगा इस str के अंदर, str के अंदर आएगा। और वो str हमने यहाँ पास कर दिया गेट वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो गेट वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चले जाएगा। और यहाँ ट्रू लिखा है, ट्रू का मतलब क्या है, सिंक्रोनस, सॉरी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। जब भी हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है तो हम ट्रू पास करते हैं, और फॉल्स का मतलब है सिंक्रोनस, बट हम तो एजेक्स कर रहे हैं तो हमें तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है, तो हमने ट्रू पास कर दिया। यहाँ पे आपको ट्रू पास करना है। अब हमने सेंड फंक्शन को कॉल कर दिया। जब भी हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो सेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेंड का यूज़ पोस्ट के लिए भी करते हो, बट उसमें आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ता है। अभी मैंने गेट का यूज़ किया है, तो सेंड के अंदर कुछ भी ब्रैकेट में नहीं रहेगा। तो ये हमने बता दिया किस पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी। गेट वेरिएबल बना के कुछ डेटा भी हमने पास किया है, टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है वो पास किया है, और इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। तो सेंड कर दिया तो अब कंट्रोल जाएगा गेट नेम्स वाले पेज पे। फिर वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स को कैसे रिसीव करना है वो हमने यहाँ बताया है, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ, गेट नेम्स डॉट PHP को। तो गेट नेम्स में क्या है, हमने एक एरे बनाया, एरे बनाने का ये तरीका होता है, और एरे में आपने ये सारे नाम्स को रख लिया, ठीक है। एरे के अंदर, एरे में जो इंडेक्स नंबर रहेगा वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा PHP में, और एक एक करके इंक्रीज होते जाएगा। ये पहला नाम 0 इंडेक्स पे जाएगा, दूसरा 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो ये सारा डेटा मैंने इसमें पास कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमने गेट के थ्रू डेटा भेजा है टेक्स्ट बॉक्स का, गेट वेरिएबल मैंने बनाया था क्यू नाम का, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो गेट वेरिएबल में जो डेटा है, जो नाम है टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी लिखा है टेक्स्ट बॉक्स में, जो लिखा होगा वो डेटा डॉलर क्यू नाम के वेरिएबल में आ गया, ठीक है। गेट के थ्रू डेटा पास हुआ है तो गेट के थ्रू आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो डॉलर अंडरस्कोर गेट और गेट वेरिएबल का नाम लिखा, तो डेटा मैंने डॉलर क्यू के अंदर रिसीव कर लिया। फिर मैंने कंडीशन लगाई, मैंने देखा अगर strlen डॉलर क्यू, strlen एक प्री डिफाइंड फंक्शन है PHP का। तो हमने देखा अगर डॉलर क्यू नाम का जो वेरिएबल है, जिसमें क्या है टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो है, ठीक है, तो अगर उसकी लेंथ क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये F वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक
ठीक है, अदरवाइज नेम्स के अंदर, ठीक है, अदरवाइज इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो इसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये इफ वाला पार्ट चलेगा, मतलब मुझे नाम को सर्च करना है। जब अगर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो मुझे एरे के अंदर कोई नाम सर्च करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ टाइप किया है तो मुझे नाम को सर्च करना है, तो मैंने शुरू में एक डॉलर नेम्स नाम का वेरिएबल बनाया, शुरू में कोई नाम इसके अंदर नहीं है, जो जो नाम मैच होते जाएंगे वो नाम इसमें आते जाएंगे। ठीक है, वो नाम हम इसमें स्टोर करवाते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एरे के अंदर सर्च करना है। ठीक है, इस एरे के अंदर तो बहुत सारे नाम है, तो इस पूरे एरे के अंदर डेटा सर्च करना है, तो हम लूप लगा के करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई भी वर्क करना है तो हम लूप लगा के वर्क करते हैं। तो लूप को मैंने 0 से स्टार्ट किया, और ये कहाँ तक जाएगा, काउंट डॉलर ए तक, काउंट डॉलर ए से कम तक जाएगा। काउंट से क्या होता है, काउंट हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं। अगर एरे में 100 एलिमेंट्स हैं तो ये 99 तक जाएगा, क्योंकि मैंने स्मॉलर देन लिखा है। अगर 50 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेके 49 तक जाएगा। आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो एक एक करके इंक्रीज होता है। तो सारे के सारे एरे में हम ट्रेवर्स कर पाएंगे इस लूप का यूज करके। अब हमें क्या करना है, हर बार चेक करना है। ये लाइन आपको समझना बहुत जरूरी है कि इससे हम कंपेयर करवा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा, ए एन लिखा, ठीक है, ए एन लिखा, तो ये मैं आपको बताता भी हूँ, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ए एन, तो ये हमारा आ चुका है किसमें, डॉलर क्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, डॉलर क्यू में ए एन आ चुका है, और उस ए एन को हमने क्या कर दिया, एस टी आर लोअर फंक्शन का यूज कर लिया, एस टी आर टू लोअर फंक्शन का यूज कर लिया मैंने। तो एस टी आर टू लोअर क्या करेगा, जो भी डॉलर क्यू के अंदर है, डॉलर क्यू के अंदर क्या है, ये जो ए एन लिखा है वो डॉलर क्यू के अंदर है। अब इसको मैंने क्या किया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे क्या है, मैं अगर ये कैपिटल लेटर में लिखूंगा तो भी सर्च होगा, स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो भी सर्च होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में, अपर केस में लिखें या लोअर केस में, दोनों ही केस में सर्च होके आए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। जैसा भी हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे अगर डॉलर क्यू के अंदर क्या है, ए एन है कैपिटल लेटर में, तो एस टी आर टू लोअर ने उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या आ गया इसमें, ए एन आ गया स्मॉल लेटर में। अब उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सब एस टी आर डॉलर ए ऑफ डॉलर आई 0 एस टी आर एल ई एन। ठीक है, तो जैसे शुरू में क्या होगा, आई की वैल्यू शुरू में 0 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू शुरू में 0, तो 0 पे आप देख रहे हो ये नाम रखा हुआ है, अंकित। ठीक है, तो डॉलर ए 0 पे आपको नाम मिला अंकित। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, हमें पहला नाम मिल जाएगा, ठीक है, ये नाम हमें मिल गया। फिर इसके बाद कोमा 0 लिखा है, फिर इसके बाद लिखा है एस टी आर एल ई एन डॉलर क्यू, मतलब इसकी लेंथ मिलेगी एस टी आर डॉलर क्यू की। तो इसकी लेंथ क्या है, डॉलर क्यू में हमने क्या लिखा है, ए एन लिखा है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में तो ए एन लिखा है, कोई
कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि मैंने ए एन लिखा, तो इसकी लेंथ कितनी है, टू है, ठीक है। अब ये पूरा हमें मिला सब एस टी आर के अंदर, तो सब एस टी आर का वर्क क्या होता है, ठीक है, सब एस टी आर का वर्क है सब स्ट्रिंग को फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें हमने ठीक है यहां पे हमने सब एस टी आर यूज कर लिया, तो ये जो नाम है अंकित, अंकित में से हमने सब स्ट्रिंग फाइंड की जीरो से टू, मतलब जीरो से लेके दो कैरेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा, ए एन मिलेगा, ए एन मिल गया, ठीक है। अब ये नाम एरे के अंदर कैपिटल में था, स्मॉल में था, जैसा भी हो, कैपिटल भी हो तो एस टी आर टू लोअर उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं देख लेता हूँ, एरे के अंदर मैंने ये जो नाम रखा था उसमें ए तो कैपिटल था, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल ए आया होगा हमारे पास, ए एन, ठीक है, बट एस टी आर टू लोअर ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पे हो गया ए एन। और फिर हमने कंपेयर किया, कंपेयर किया तो ये दोनों तो मैच हो गए, मैच हो गए तो कंडीशन इफ के अंदर लिखा था, इफ की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है, इफ की कंडीशन ट्रू। और कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, कंट्रोल अंदर जाएगा तो हमने देखा नेम्स के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो ये जो नाम मैच हुआ है, मतलब ए एन कंडीशन सही हुई है, तो अभी हमें जो नाम मिला था जीरो इंडेक्स पे, अंकित नाम का जो नाम मिला था वो मैंने डॉलर नेम्स नाम के वेरिएबल में रख लिया। और अगर मैच नहीं हुआ है तो ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर दोबारा फर्स्ट वाले इंडेक्स पे सर्च करेंगे, फिर टू वाले इंडेक्स पे, फिर थ्री वाले इंडेक्स पे, फोर वाले इंडेक्स पे, जब भी मैच होते जाएगा तो हम इस नाम को नेम्स नाम के वेरिएबल में रखते जाएंगे। अब यहाँ पे ये इफ एल्स का क्या फंडा है, देखो हमने शुरू में देखा कि अगर नाम के अंदर कुछ भी नहीं है, नेम्स नाम के वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, अगर पहला नाम सर्च होता है तो मैंने उसको डायरेक्ट नेम्स के अंदर असाइन कर दिया, लेकिन एक से ज़्यादा नाम अगर मैच होते हैं तो बीच में मुझे कॉमा भी लगाना है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मैंने लिखा डी, कुछ ऐसा लेटर लिखा जिसका एक ही नाम हो, ई लिखा, तो ई से रिलेटेड एक ही नाम था, इसमें तो कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है, कॉमा सिंबल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैंने सी लिखा तो सी से रिलेटेड दो नाम है, सी एच लिखा, तो ऐसे दो नाम मिले, तो एक ही नाम होता तो डायरेक्ट आ जाता, और एक से ज़्यादा नाम है तो कॉमा सेपरेट होके आएगा, तो जब पहला नाम मिला होगा तो डायरेक्ट असाइन कर दिया, ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डेटा आ चुका है, शुरू में कुछ नहीं था, पहला नाम आया तो डायरेक्ट असाइन कर दिया, दूसरा नाम आया तो अब इसमें तो एक नाम तो आ चुका है, ये खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और उसमें कॉमा, इसमें जो पहले नाम था वो भी रहेगा, उसी के साथ मैंने कॉमा करके कॉन्केटनेट कर दिया, जो एक और नाम मैच हुआ है उसको कॉन्केटनेट कर दिया, और इसी तरह जो भी नाम मैच होते जाएंगे सबको कॉन्केटनेट करते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे और डॉलर नेम्स के अंदर डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फंडा चलते रहेगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए, लॉजिक सेम रहेगा, तो जो भी नाम मैच हुए वो डॉलर नेम्स के अंदर आ चुके हैं। अब हमने चेक किया, अगर डॉलर नेम्स के अंदर कुछ भी नहीं आया, मतलब पूरा हमने सर्च कर लिया ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जैसे मैंने लिखा जेड, जेड लिखा तो जेड से रिलेटेड कोई नाम मैंने एरे के अंदर नहीं रखा था, तो पूरा लूप तो पूरा चल जाएगा, लेंथ तो ग्रेटर है जीरो से, मतलब ये लेंथ तो जीरो है, सर्च तो करवाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने सर्च तो करवाया बट कोई नाम नहीं मिला, नाम नहीं मिला तो नेम्स की वैल्यू क्या रहेगी, ब्लैंक ही रहेगी, पूरा लूप चल गया लेकिन कोई नाम सर्च नहीं हो पाया, जेड से रिलेटेड कोई नाम नहीं था, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो डॉलर रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में मैंने क्या रख दिया, नो सजेशन रख दिया, और ये नो सजेशन ये जो आप देख रहे हैं मैसेज ये सी के थ्रू आ रहा है, हमने इसको जब रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो अगर कुछ नहीं आता तो मुझे ये मैसेज दिखाना है, तो नो सजेशन मैसेज मैंने डॉलर रिस्पॉन्स में रख दिया, अदरवाइज मैंने क्या किया, जो भी नाम अगर ये ब्लैंक नहीं है तो डॉलर नेम्स के अंदर जो भी नाम है वो सारे इस वेरिएबल के अंदर चले गए, और उसको मैंने इको करवा दिया। तो ये जो इको करवाते हैं हम, तो ये कहाँ पे जाके इको होगा, ये जाएगा जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, तो रिक्वेस्ट आई थी पहले वाले पेज से 1.php नाम के पेज से, तो
तो यहां पे हमें अब रिस्पॉन्स को रिसीव करना है, वहां से हमने जो इको करवाया है वो रिस्पॉन्स है, तो उसको रिस्पॉन्स को कैसे रिसीव करना है। तो रिस्पॉन्स को रिसीव करने वाला कोड हमने यहाँ पे नहीं समझा था, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट आती है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट को सेंड करना है, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमने रिसीव करने वाला कोड यहाँ पे लिखा है। तो ये मैंने फंक्शन आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में ही बताया था। हम क्या करते हैं, स्टेटस का यूज करते हैं और रेडी स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं यहां पे हमने क्या किया, ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये एक प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक है, तो ऑन रेडी स्टेट चेंज में क्या होता है, आप देखते हो कि रेडी स्टेट की वैल्यूज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इसमें आपने जो फंक्शन डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट होता है जब रेडी स्टेट की वैल्यूज चेंज होती हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो हम चाहते हैं ये फंक्शन में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो, तो एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर हमने देखा अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है और स्टेटस अगर 200 है। ठीक है, तो रेडी स्टेट की जो वैल्यू है अगर कितनी है, 4 है। रेडी स्टेट की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया था, 0 मतलब रिक्वेस्ट नॉट इनिशलाइज्ड, 1 सर्वर नॉट इस्टेब्लिश्ड, सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश, रिक्वेस्ट रिसीव, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। तो हमने 4 का यूज किया है, 4 मतलब रिक्वेस्ट तो फिनिश हो चुका है, रिस्पॉन्स रेडी है, तो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स तैयार है आने के लिए, तो हमें क्या करना है। तो इसीलिए मैंने कंडीशन लगा दी, अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है और स्टेटस की वैल्यू 400, इफ स्टेटस की वैल्यू 200 है, 200 का मतलब होता है ओके, एवरीथिंग ओके। ठीक है, अलग अलग स्टेटस होते हैं, 403, 404, जैसे पेज नॉट फाउंड का मैसेज आता है आपके पास 403, ऐसे बहुत सारे स्टेटस होते हैं। ठीक है, तो अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है और स्टेटस 200 है, मतलब एवरीथिंग ओके है, आप रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हो। तो जो रिस्पॉन्स आया है उसको, मतलब जो भी मैंने वहां पे नेम्स थे वो सारे हमने डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर डाल के इको करवाए हैं, तो वो इको हमने जो करवाया है डेटा उसको मुझे स्पान के अंदर डिस्प्ले करना है। स्पान का आईडी मैंने दिया था टेक्स्ट हिंट, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा, इस पेज के अंदर ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है, गेट करना है जिसका आईडी टेक्स्ट हिंट है, उसके इनर एचटीएमएल में क्या डालना है, जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया है। ठीक है, तो वो सारे नाम डिस्प्ले हो गए स्पान के अंदर। तो फ्रेंड्स यही था। तो फ्रेंड्स जब भी एजेक्स का यूज करना है तो ये इतना जो पार्ट है वो कॉमन रहेगा, आपको चेक करना है विंडो डॉट एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और फिर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑन रेडी स्टेट चेंज का यूज करके आपको फंक्शन को डिफाइन करना है जो आप रिस्पॉन्स के लिए यूज करोगे। ठीक है, रेडी स्टेट की अलग अलग वैल्यू पे ये कॉल होता है और रिक्वेस्ट को भेजना पड़ता है। ठीक है, जेक्वेरी को हम यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, जेक्वेरी यूज करके ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा उसमें भी तरीका ये सेम रहेगा, तो इतना तो आपको कॉमन लिखना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये चेक करना है, तो इतना कॉमन रहेगा। इवेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी ऑन की अप इवेंट यूज किया है, हम कोई दूसरा इवेंट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की जगह ड्रॉप डाउन हो सकता है या कोई दूसरा कंट्रोल भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, और जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है वो पीएचपी की फाइल भी हो सकती है, एक्सएमएल फाइल भी हो सकती है या कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए एग्जांपल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।